हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी। एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास मैथमेटिक्स सेकंड जो न्यू सिलेबस है 2020-2021 का, तो इसका चैप्टर 2 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर नंबर 5 में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रोलेस थ्योरम, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, उसके लिए कंडीशन क्या क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में इस रोलेस थ्योरम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 में, वो सभी के सभी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में पूरे 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन रोलेस थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है, और वो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन 2 मार्क, 3 मार्क या 4 मार्क के लिए पूछे जाते क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वन वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो रोलेस थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। साथ में मैं आपको प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाए और उसका आपको बेनिफिट मिल सके। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, पूरा का पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से देखना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझता तो दोबारा वीडियो को देखना है, ताकि आपको रोलेस थ्योरम के कंसेप्ट और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन है, उन सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन आपके लिए हो जाएंगे आसान, जस्ट आपको हमारे चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी के साथ में क्या करना है, बने रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो ये लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो बात करते हैं रोलेस थ्योरम की। तो रोलेस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर fx इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, इफ fx इज अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइनेड ऑन इंटरवल a, b सच दैट, मतलब fx एक रियल वैल्यू फंक्शन है जो डिफाइन है इस इंटरवल पे a से लेकर b तक के, वो भी इस तरह से कि fx कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये जो fx जो है ना, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए a, b पे, ऑन इंटरवल a, b पे। वही fx क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के समय आपको सिंपल ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, पैरेंथेसिस में आपको लिखना। तो ओपन इंटरवल a, b पे डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और एक कंडीशन है कि fx की वैल्यू a पे बोले तो f(a) और fx की वैल्यू b पे f(b), दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये रोलेस थ्योरम की कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रोलेस थ्योरम को एप्लीकेबल होगा। अगर कोई रियल वैल्यू फंक्शन इन तीनों के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब fx कंटिन्यूअस भी है a, b पे, fx डिफरेंशियल भी है ओपन इंटरवल a, b पे, और f(a) और f(b) की वैल्यू भी इक्वल है, तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी। ये जो c जो है ना, x की वैल्यू है, तो x की ऐसी वैल्यू बोले तो c एग्जिस्ट होगा इस ओपन इंटरवल a, b पे, इस ओपन इंटरवल a, b पे, सच दैट इस fx का डेरिवेटिव f' x की वैल्यू उस c पे तो f' c होगी, तो इस fx के डेरिवेटिव की वैल्यू उस c पे तो f' c होगी, वो क्या आएगी, 0 आएगी 100%। ये बोलती है रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि fx रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, a, b पे डिफाइन होना चाहिए, तो और कंडीशन है उसके लिए कि fx कंटिन्यूअस होना चाहिए, fx डिफरेंशिएबल होना चाहिए और f(a) और f(b) की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो x की ऐसी वैल्यू c जो इस a और b के इंटरवल के बीच में रहेगी, उनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू रहेगी जो इस fx के डेरिवेटिव में पुट करेंगे, मतलब तो f'c 0 आएगा। तो यह है रोलेस थ्योरम। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन रहेगा, या अभी आपको स्टेटमेंट में उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे, उसका क्वेश्चन जब देखेंगे इसके ऊपर, तो आपको 100% समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलो हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूरे 7 क्वेश्चन है और हमको इसमें चेक करना है वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम मतलब यहां पे जितने भी फंक्शन है, ये उनकी गिवन इंटरवल पे
रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, वो चेक करना है। अगर रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन, मतलब तीन कंडीशन है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फंक्शन में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ये तीन कंडीशन को अगर ये सारे के सारे फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये फंक्शन उस रोल्स थ्योरम को लिए वैलिड रहेंगे। तो हमको वैलिडिटी चेक करना है, वैलिड रहेंगे मतलब ये फंक्शन उस रोल्स थ्योरम को अप्लीकेबल रहेंगे, ये हमको चेक करना है। तो चलो एक एक बाय मतलब वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये एक रियल वैल्यू फंक्शन है जो डिफाइन है एक्स बिलोंग टू इंटरवल 1, 3। तो 1 से लेकर 3 इस इंटरवल पे यह फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये रूल्स थ्योरम को वैलिड है कि नहीं हमको चेक करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि ये जो गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज बींग पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन होने के वजह से ये एफ एक्स क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है जो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है अपने इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल भी होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से, ये फंक्शन एफ एक्स पॉलिनोमियल होने के वजह से ये एफ एक्स कंटिन्यूअस रहेगा अपने इंटरवल 1, 3 पे, एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी रहेगा ओपन इंटरवल कौन सा 1, 3 पे, ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अब थर्ड कंडीशन पे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो थर्ड कंडीशन निकालने के लिए आपको एफ ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 1, ए का काम 1 कर रहा है, तो एफ ऑफ 1 का मतलब एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस तो माइनस 4 एक्स की जगह 1 आ जाएगा, और ये प्लस 3 एज इट इज रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 1 जा 4 होगा, ये प्लस 3 एज इट इज रहेगा। तो 1 में से 4 गए, माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अपना इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। नाउ एफ ऑफ 3 मतलब एफ एक्स की वैल्यू 3 पे अपन फाइंड आउट करेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू 3, तो एफ ऑफ 3 होगा, एफ ऑफ 3 का मतलब एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये पूरा जैसा का वैसा रहेगा, बस जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा, 3 आएगा। देखो 3 का स्क्वायर ये 4 इंटू 3 और ये प्लस 3 एज इट इज रहेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 3 जा 12 होगा, तो माइनस 12 और ये प्लस 3 जैसा का वैसा रहेगा। तो 9 में से 12 गए तो माइनस 3 होगा, और माइनस 3 और प्लस 3 क्या होगा, 0 होगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट चांस सेकंड एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू इक्वल होगी। फ्रॉम फर्स्ट चांस सेकंड एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, यहां सभी कंडीशन तीनों की तीनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। हेंस गिवन फंक्शन वैलिड फॉर रोल्स थ्योरम, इसीलिए ये जो गिवन फंक्शन है ये वैलिड है किसके लिए, रोल्स थ्योरम के लिए। बहुत आसान है, बहुत इजी है, आपको बस चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन पॉलिनोमियल है। तो याद रखना, पॉलिनोमियल फंक्शन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, ये सभी के सभी फंक्शन अपने गिवन इंटरवल पे कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। बस आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपने एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाले, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाले, दोनों इक्वल भरी, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल होने की वजह से सभी कंडीशन रूल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमारा गिवन फंक्शन क्या है, वैलिड है रूल्स थ्योरम के लिए, ठीक है। नाउ बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, तो हमारे पास एक फंक्शन दिया है, क्या दिया है फंक्शन, e का पावर माइनस एक्स है और साइन एक्स है, और एक्स बिलोंग कर रहा है 0, π को। तो 0, π ये अपने पास इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल पे ये फंक्शन डिफाइन किया गया है e का पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है दो डिफरेंट फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो ये एफ एक्स किसका कॉम्बिनेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अपने गिवन इंटरवल पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने गिवन इंटरवल पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये जो एफ एक्स जो रहेगा, तो आपको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा कि सिंस ये एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है या प्रोडक्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसलिए ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशियल है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वही लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अपन वही लिखेंगे जो अभी मैंने बताया,
सिंस गिवन फंक्शन जो एफ एक्स है इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स साइन एक्स, तो इज बींग प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है किसका, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसीलिए एफ एक्स क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा अपने इंटरवल 0, π पे, और एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी रहेगा ऑन ओपन इंटरवल 0, π पे, ठीक है। अब नाउ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एफ ऑफ जीरो यानी इस एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, तो ई का पावर माइनस जीरो होगा, ये साइन इंटू जीरो होगा। तो किसी भी चीज के पावर में अगर जीरो आ जाता है, माइनस जीरो का मतलब जीरो होगा, तो किसी भी चीज के पावर में जीरो आता है तो उसका वन होता है, तो ई का पावर जीरो यानी वन हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो इंटू वन जीरो होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। अब बात करेंगे एफ ऑफ पाई की, तो एफ ऑफ पाई है तो इस एक्स की जगह पाई आ जाएगा, तो ई का पावर माइनस पाई, और ये साइन पाई होगा, तो ई का पावर माइनस पाई, तो ई का पावर माइनस पाई ही होगा, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो जीरो इंटू ई का पावर माइनस पाई जीरो होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट टेन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट टेन सेकंड एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ पाई दोनों कैसे इक्वल है, तो इसका मतलब ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए आपका गिवन फंक्शन वैलिड है, किसके लिए, रोल्स थ्योरम के लिए, वैलिड है मतलब अप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, या अपने पास फंक्शन दिया है जो पॉलीनोमियल फंक्शन है, 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, और ये पॉलीनोमियल फंक्शन डिफाइन हुआ है कौन सी इंटरवल पे, 1, 3 पे, तो ये पॉलीनोमियल फंक्शन होने की वजह से क्या रहेगा, पहली दो कंडीशन तो इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल की, बस आपको एफ ऑफ वन फाइंड करना पड़ेगा, एफ ऑफ थ्री, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, और रोल्स थ्योरम के लिए यह फंक्शन क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम वही लिखेंगे, सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स ये क्या है, बीइंग पॉलीनोमियल फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन होने की वजह से ये एफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा इंटरवल 1, 3 पे, और एफ एक्स डिफरेंशिएबल रहेगा ओपन इंटरवल 1, 3 पे। अब नाउ एफ ऑफ वन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एफ ऑफ वन यानी इस पूरे फंक्शन में जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर होगा माइनस 5 × 1 होगा, और ये प्लस 3 होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 × 2 5 × 1 5, और ये प्लस 3 एज इट इज होगा, तो 2 में से 5 हो गया माइनस 3, और माइनस 3 और प्लस 3 क्या होगा, 0 होगा, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। अब बात करेंगे एफ ऑफ 3 की, तो एफ ऑफ 3 यानी क्या होगा, जहां x रहेगा वहां क्या आएगा, 3 आएगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर होगा माइनस 5 × 3 होगा, और ये प्लस 3 एज इट इज रहेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 × 2 = 18 होगा, और ये 5 × 3 = 15 होगा, तो माइनस 15 और प्लस 3 एज इट इज होगा, तो 18 में से 15 गए तो प्लस 3 होगा, प्लस 3 और प्लस 3 कितना होगा, 6 होगा, प्लस 6 होगा, पॉजिटिव 6 होगा, इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, सेकंड दे देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इस फर्स्ट एंड सेकंड से हमको ऑब्जर्व हो रहा है कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑल द कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए आपका गिवन फंक्शन क्या रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा रोल्स थ्योरम के लिए, ठीक है। बहुत आसान है, आपको इजीली समझ में आएगा। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से इंटरवल पे डिफाइन किया गया है, 0, 2π पे, तो ये जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से कंटिन्यूस भी रहेगा डिफरेंशिएबल भी रहेगा, तो पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी, बस आपको एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है और एफ ऑफ 2π फाइंड करना है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये एफ एक्स क्या होगा, रोल्स थ्योरम को वैलिड रहेगा, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन को मैं आपको वही लिखना है, सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3 इज बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से एफ एक्स क्या रहेगा, ये एफ एक्स जो रहेगा ये कंटिन्यूस भी होगा 0, 2π पे, और एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी रहेगा ओपन इंटरवल 0, 2π पे। नाउ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल 0, 2π है, तो एफ ऑफ जीरो यानी जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये साइन जीरो हो जाएगा माइनस कॉस जीरो होगा, और ये प्लस 3 एज इट इज होगा, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस 1 होगा और ये प्लस 3, तो 3 में से 1 गए 2, तो पॉजिटिव 2, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा, तो ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू होगी। अब एफ ऑफ 2π की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ऑफ 2π है तो साइन जीरो है तो साइन 2π होगा, यहाँ कॉस 2π होगा, और ये प्लस 3 एज इट इज रहेगा, मतलब जहां एक्स था वहां 2π आ गया, तो साइन जीरो हो, साइन पाई हो, साइन 2π हो, साइन 3π हो,
इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पाई में साइन के समय आंसर जीरो होता है, तो साइन टू पाई की वैल्यू जीरो होगी और कॉस टू पाई की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ठीक है, तो कॉस में अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब कॉस जीरो, कॉस टू पाई, कॉस फोर पाई, कॉस सिक्स पाई, इन सबकी वैल्यू वन होती है, तो कॉस टू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो माइनस वन प्लस थ्री कितना होगा, टू होगा, इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट चांस सेकंड एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ टू पाई की वैल्यू, फ्रॉम फर्स्ट चांस सेकंड एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ टू पाई की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ऑल द कंडीशन रोलेस थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए गिवन फंक्शन क्या है, वैलिड है, किसके लिए, रोलेस थ्योरम के लिए। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन, इसकी तरफ अच्छे से फोकस करना, ये बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, और ये अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पढ़े हमने, चारों के चारों जो क्वेश्चन पढ़े उनसे थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक के जो फंक्शन एफ एक्स दिया था वो सिंगल फंक्शन था, यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट, सॉरी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे अलग अलग, मतलब ब्रेक करके इसको डिफाइन किया गया, अलग अलग इंटरवल में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमको चेक करना है वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, अगर एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर रहेगी, जब इंटरवल जीरो से लेकर दो रहेगी, मतलब जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू टू। और सेकंड टाइम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि सिक्स माइनस एक्स के इक्वल है अगर इंटरवल दो से लेकर सिक्स है, मतलब टोटल इंटरवल की बात करोगे तो जीरो से लेकर सिक्स तक की बात है। तो आपको रोल्स थ्योरम को ये फंक्शन वैलिड है कि नहीं चेक करना है, तो रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये फंक्शन सभी इंटरवल पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंसिबल होना चाहिए। तो एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर पे जो होगा, तो उसके लिए जीरो से लेकर दो, तो जीरो से लेकर दो पे ये एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, इसलिए जीरो से लेकर दो इंटरवल पे ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंसिबल भी है। और एफ एक्स ये सिक्स माइनस एक्स के लिए, ये सिक्स माइनस एक्स ये भी पॉलिनोमियल है, तो दो से लेकर सिक्स इंटरवल के लिए ये जो एफ एक्स जो होगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस भी रहेगा, डिफरेंसिबल भी रहेगा। लेकिन चेक करना है हमको टू पे, अगर ये दो पे, ये पूरे दोनों को कंबाइन करके इस टू के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इस टू के लिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि लेस देन टू है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती, दोनों की वैल्यू अगर क्या आती, इक्वल आती है इस टू पे, हमको पता है जीरो और सिक्स पे तो डिफरेंसिएबल है, 100% डिफरेंसिएबल है, लेकिन इस टू पे आपको निकालना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट क्यों नहीं निकाल रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के बाद में अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो डिफरेंसिएबल हो जाएंगे, अगर डिफरेंसिएबल होगा तो 100% कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूटी चेक मत करना, आप डायरेक्ट डिफरेंसिएबिलिटी चेक करना, कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पता है, मैंने जबीज बताया था कि यहां पे डोमेन जो होगा, मतलब डोमेन इस फंक्शन का, मतलब इंटरवल इस फंक्शन का जीरो से लेकर सिक्स रहेगा। तो हियर डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज जीरो से लेकर क्या रहेगा, सिक्स रहेगा। तो पहले बात करेंगे जीरो से लेकर टू की, मतलब जीरो लेस देन एक्स, तो फॉर जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू टू के लिए ये जो एफ एक्स है ये एक्स स्क्वायर है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन, इसलिए ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंसिएबल भी है, कौन सी इंटरवल पे, जीरो कॉमा टू पे। अब बात करेंगे इस इंटरवल की, फॉर इंटरवल टू लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स, मतलब दो से लेकर सिक्स के लिए आपका जो फंक्शन है वो सिक्स माइनस एक्स है, वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये कंटिन्यूस है, डिफरेंसिएबल है, किसके लिए, तो टू कॉमा सिक्स पे। अब नाउ डिफरेंसिएबिलिटी टू पे चेक करना है, तो इसके लिए फॉर जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू टू के लिए, तो लेस देन इक्वल टू टू है इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए आपको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता होगा, अगर आपको x इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो लिमिट एच रेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच, वो फार्मूला था। तो यहाँ पे ए का काम टू कर रहा है, तो एफ एस का डेरिवेटिव x इक्वल टू टू पे तो एफ डैश टू होगा, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो एफ डैश टू का निगेटिव ऐसा कुछ होता है उसको हम एल एच डी भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। तो उसका फार्मूला होगा लिमिट एच रेस टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन में एच, तो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन में एच, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो एफ ऑफ टू प्लस एच का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ टू प्लस एच का मतलब होगा ये इसके लिए जीरो लेस देन एक्स, एक्स लेस देन टू के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो ये एफ ऑफ टू प्लस एच का मतलब इस एक्स स्क्वायर के जगह टू प्लस एच का पूरे का होल स्क्वायर आएगा, तो इस एक्स के जगह टू प्लस एच और वो होल स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा।
माइनस एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू का मतलब इस एक्स की जगह टू आएगा, तो ये पूरा का पूरा रहेगा, बस एक्स की जगह टू आएगा, तो टू का स्क्वायर होगा, तो फिर टू का स्क्वायर है और अपन में एच एज इट इज रहेगा। बस इसको सॉल्व कर लो, टू प्लस एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस ए का काम टू कर रहा है, बी का काम एच कर रहा है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर, ये माइनस टू का स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा। अब ये माइनस टू का स्क्वायर और ये प्लस टू का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टू 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 जा फोर एच और प्लस एच स्क्वायर होगा और अपॉन में एच होगा, ठीक है। तो देखो ये लिमिट एच इज टू जीरो, फोर एच प्लस एच का स्क्वायर अपॉन में एच होगा। अब इन ऊपर में एच कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो एच कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फोर प्लस यहाँ एक एच बचेगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, जस्ट फोर प्लस एच बचेगा। अभी लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, एच की जगह जीरो, तो फोर प्लस जीरो होगा और फोर प्लस जीरो कितना होगा, फोर होगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, ये अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला। अब बात करेंगे किसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव की, ठीक है। तो फॉर टू लेस देन एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स, तो इसके समय टू लेस देन एक्स, तो एक्स लेस देन के समय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, अभी टू लेस देन एक्स मतलब दो छोटा है एक्स से, तो दो छोटा एक्स था, इसका मतलब एक्स बड़ा है दो से, तो इसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव के समय जो फंक्शन रहेगा वो सिक्स माइनस एक्स रहेगा। तो वही सेम रहेगा, लिमिट एच रेस टू जीरो, एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू, अपन में एच ही आएगा, बस ये टू प्लस एच जो है ना, तो ये पूरा फंक्शन सिक्स माइनस एक्स जो है, तो इस एक्स की जगह टू प्लस एच रहेगा, ये पूरा का पूरा रहेगा, देखो ये सिक्स माइनस और इस एक्स की जगह टू प्लस एच रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिक्स माइनस एक्स जो था, तो इस एक्स की जगह टू प्लस एच रहेगा, मतलब सिक्स माइनस टू प्लस एच होगा, और माइनस एफ ऑफ टू, इस एफ ऑफ टू का मतलब ये पूरा रहेगा सिक्स माइनस एक्स, इस एक्स की जगह बस टू रहेगा, तो सिक्स माइनस टू आएगा, देखो ये। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एफ ऑफ टू मतलब ये सिक्स माइनस टू होगा, एफ ऑफ टू प्लस एच तो सिक्स माइनस इस एक्स की जगह टू प्लस एच आएगा और अपॉन में एच रहेगा। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो सिक्स माइनस टू फोर, ये माइनस प्लस माइनस एच होगा, और सिक्स में से टू गए फोर तो माइनस फोर होगा, माइनस फोर ये प्लस फोर कैंसिल, माइनस एच होगा, माइनस एच बाई एच माइनस वन होगा, और लिमिट एच एच टू जीरो माइनस वन का मतलब माइनस वन होगा, तो ये इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये था राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉट अ कंटिन्यूअस एंड हेंस नॉट अ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू पे, मतलब x इक्वल टू टू पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, इसलिए गिवन फंक्शन इज नॉट वैलिड फॉर रोल्स थ्योरम, इसलिए आपका जो गिवन फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम के लिए वैलिड नहीं है, ओके। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे जब दो बार डिफाइन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किए कि ये जो इस इंटरवल पे ये एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, इस इंटरवल पे ये पॉलिनोमियल होने की वजह से कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, बस आपको इस लेस देन के समय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, इसके समय राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आई क्या, नहीं आई, इसका मतलब दो पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो। अब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, इसीलिए ये जो फंक्शन है जीरो से लेकर सिक्स तक सभी वैल्यू पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, बस दो को छोड़ के, ओके। इसलिए ये रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए रोल्स थ्योरम को वैलिड नहीं है। अब बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की, तो सिक्स क्वेश्चन बहुत छोटा है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स का पावर टू बाय थ्री दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर टू बाय थ्री, एक ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि एक्स का पावर है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, ई का पावर एक्स, कॉन्स्टेंट का पावर एक्स जब होता है, टू का पावर एक्स, फाइव का पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर टू बाय थ्री, एक्स का पावर जो भी होता है, तो अरिथमेटिक फंक्शन बोल सकते हो उसको या पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और कौन से इंटरवल पे डिफाइंड है, माइनस वन कॉमा वन पे डिफाइंड है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से स्टार्टिंग की दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते कैसे, फाइंड आउट करते इसका। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि सिंस ये जो फंक्शन है एफ एक्स, यहाँ पे अपने को एफ एक्स लिखना पड़ेगा, तो सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर टू बाय थ्री इज बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा माइनस वन कॉमा वन पे, एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल माइनस वन कॉमा वन पे। अब नाउ एफ ऑफ माइनस वन निकालेंगे और एफ ऑफ वन निकालेंगे, तो एफ ऑफ माइनस वन यानी यहाँ जो एक्स है उसके जगह माइनस वन आएगा और टू बाय थ्री जैसा का वैसा रहेगा पावर में, तो माइनस वन की पावर टू।
अब माइनस वन की पावर ये टू मतलब माइनस वन का स्क्वायर होता है, तो माइनस वन का स्क्वायर यानी कितना होता है, वन एच होता है। अब वन का क्यूब रूट होगा क्योंकि बाई थ्री का मतलब क्यूब रूट होगा, तो वन का क्यूब रूट वन ही होता है, मतलब माइनस वन की पावर टू बाय थ्री यानी वन ही होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माइनस वन का स्क्वायर वन और वन का क्यूब रूट वन। ओके, और एफ ऑफ वन बात करेंगे, एफ ऑफ वन तो एफ ऑफ वन यानी वन की पावर टू बाय थ्री, और पॉजिटिव वन का पावर कुछ भी रहे उसका आंसर कितना होता है, वन ही होता है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों वैल्यू बराबर ही की है, एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ वन इक्वल है, मतलब ऑल द कंडीशन रोलेस थ्योरम की क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए गिवन फंक्शन क्या है, वैलिड है रोलेस थ्योरम के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जहां हमको थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो उसको देखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि गिवन इंटरवल ए कॉमा बी दिया है, दैट सेटिस्फाई हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन में पहले से ही दिया है। तो गिवन फंक्शन क्या है आपका पास, fx इक्वल टू x का पावर 4 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2। इट इज नोन दैट हमको a की वैल्यू तो पता है माइनस 1 है करके, लेकिन हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो गिवन फंक्शन है रोलेस थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये पॉलिनोमियल भी है मतलब कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है, और रोलेस थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल भी होगी, सिंपल सी बात है। तो उस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी का कंडीशन का यूज करके आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सोल्यूशन में लिख लेंगे कि सिंस एफ एक्स जो है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, इसलिए हर जगह पे ये कंटिन्यूस रहेगा और क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। इट ऑल्सो सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से इंटरवल पे, ए कॉमा बी पे, इसीलिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एफ ऑफ ए तो ए की वैल्यू चेक करो माइनस वन है, तो ए की जगह माइनस वन आएगा, तो एफ ऑफ माइनस वन और बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना, तो एफ ऑफ बी ये दोनों बराबर ही रहेंगे। अब एफ ऑफ माइनस वन यानी इस पूरे फंक्शन के जगह जहां जहां एक से वहां वहां क्या आएगा, माइनस वन आएगा, तो माइनस वन का पावर 4 प्लस माइनस वन का स्क्वायर और ये माइनस 2 एज इट इज रहेगा। फिर इक्वल टू में एफ ऑफ बी का मतलब ये पूरा फंक्शन दिया रहेगा, तो जहां जहां एक से वहां वहां बी आ जाएगा, तो बी का पावर 4 होगा प्लस बी की पावर 2 होगी और ये माइनस 2 एज इट इज रहेगा। तो माइनस वन का पावर 4 है मतलब इवन नंबर है, तो माइनस वन के पावर में अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है, क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन 4 टाइम करोगे तो पॉजिटिव वन आंसर आएगा। माइनस वन का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव वन होगा, और ये जो माइनस टू और ये माइनस टू हमने कैंसिल कर दिए, तो जस्ट इक्वल टू में क्या बचेगा, बी का पावर 4 बचेगा प्लस बी की पावर 2 बचेगी, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब इस 2 को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो बी का पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा राइट हैंड साइड में, और ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 होगा, और इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब ये जो पॉलिनोमियल है बी का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपको बी के जगह एक बार 1 पुट करो, माइनस 1 पुट करोगे फिर भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो माइनस 1 तो एक ही वैल्यू होगी, तो माइनस 1 से लेकर आपको आगे की तरफ बढ़ना इंटरवल की तरफ, तो 1 की पावर के लिए, 1 के लिए मतलब फॉर बी इक्वल टू 1 के लिए अगर आप 1 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 1 का पावर 4 यानी 1, 1 का पावर 2 यानी 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 के तो 0, तो फॉर b इक्वल टू 1 के लिए अबव इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए सो द वैल्यू ऑफ b इज 1, वैल्यू ऑफ b क्या होगी, 1 होगी, यही हमको फाइंड आउट करना था b की वैल्यू। ठीक है, अब बात करेंगे इस एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, किसको वेरीफाई करना है, रोलेस थ्योरम को, तो रोलेस थ्योरम को हमको वेरीफाई करना है। अभी हमको चेक नहीं करना है कि ये जो फंक्शन है रोलेस थ्योरम को अप्लीकेबल है कि नहीं है, वो हमको चेक नहीं करना है, हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है ये जो फंक्शन रहेंगे ये रोलेस थ्योरम को तो सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ में हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x, फिर f डैश x में फिर बाद में वहां पे c की वैल्यू निकालेंगे, तो वो c की वैल्यू ये 0 से लेकर 2 पाई के बीच की होना चाहिए, और उस f डैश c पे क्या आना चाहिए, f डैश x की वैल्यू क्या रहना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उस सी की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच की अगर आती है तो रोल्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास ये जो क्वेश्चन दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है आपके लिए, आपके पास तो ये जो फंक्शन है
ये रोल स्थिरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद में अभी fx को हमको वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए आपको c की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और c की ऐसी वैल्यू होना चाहिए 0 और 2 पाई के बीच की होना चाहिए, और f डैश c क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए उस कंडीशन पे। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से ये अपने इंटरवल 0 कॉमन 2 पाई पे कंटिन्यूस भी रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा, फिर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पाई की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि गिवन फंक्शन, तो सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से एफ एक्स क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा 0, 2 पाई पे, और एफ एक्स डिफरेंशियल भी रहेगा ऑन ओपन इंटरवल 0, 2 पाई पे। अब नाउ एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ऑफ 0 यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन 0 हो जाएगा प्लस कॉस 0 होगा, और ये प्लस 7 एज इट इज होगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये प्लस 7, तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। फिर एफ ऑफ 2 पाई निकालेंगे, तो जहां एक्स होगा वहां 2 पाई आ जाएगा, तो साइन 2 पाई होगा प्लस, यहाँ प्लस होना, तो प्लस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई, और ये प्लस 7 एज इट इज रहेगा। तो साइन 2 पाई, साइन 0 रहे, साइन पाई रहे, साइन 2 पाई रहे, वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होगी, और ये प्लस 7 एज इट इज रहेगा। तो 7 प्लस 1 कितना होगा, 8 होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पाई दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ऑल द कंडीशन रोल्स थ्योरम की क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हमको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए हमको सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और वो सी की वैल्यू 0 टू पाई के बीच की होना चाहिए। वो भी इस तरह से कि एफडेस सी क्या होगा, 0 होगा, मतलब सी की वैल्यू डालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए एफ एक्स के डेरिवेटिव की। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट हम नीचे लिखेंगे कि टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी, हमको सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। वो भी इस तरह से कि वो सी की वैल्यू उसके डेरिवेटिव में डालू, एफ एक्स के डेरिवेटिव में, तो एफ डैश सी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और वो जो सी है 0, 2 पाई के बीच का होना चाहिए। मतलब सी किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 और 2 पाई, मतलब 0 से बड़ी होना चाहिए और 2 पाई से छोटी उसकी वैल्यू होना चाहिए। तो नाउ सबसे पहले आपको उस एफ एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको एफ डैश एक्स फाइंड करने के लिए एफ एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आपके पास एफ एस क्या दिया था, साइन एक्स दिया था प्लस कॉस एक्स दिया था प्लस 7 दिया था ना। तो एफ डैश एक्स यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, और प्लस 7 कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो एफ डैश एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश सी। तो एफ डैश एक्स में जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो नाउ इसके बाद में नाउ लिख लेना, तो नाउ एफ डैश सी, तो एफ डैश सी मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां सी आ जाएगा, तो कॉस सी होगा और ये साइन सी होगा। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एफ डैश सी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एफ डैश सी कब 0 आएगा, तो आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो सी की वैल्यू 0, 2 पाई के बीच की होना चाहिए। ठीक है, तो सी की वैल्यू 0, 2 पाई के बीच की होना चाहिए, तो आपको सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉस सी, तो सी की वैल्यू आप एक बार पाई पुट करो, पाई बाय 2 पुट करो, पाई बाय 4 पुट करो, पाई बाय 3 पुट करो। तो आपको पता है कॉस पाई बाय 4 1/√2 होता है, और साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 में से 1/√2 गया तो 0 होता है, ये आपको पता है। तो फॉर सी इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए, तो फॉर सी इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए, तो पाई बाय 4 साइन मतलब साइन पाई कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4, तो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2, साइन पाई बाय 4 की भी वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 में से 1/√2 गया तो 0 होता है। तो पाई बाय 4 के लिए 0 आ रहा है, साथ में पाई बाय 4 में पाई ऐड करोगे तो 5π/4 होगा। तो कॉस 5π/4 की वैल्यू माइनस माइनस 1/√2, और साइन 5π/4 की भी वैल्यू माइनस 1/√2। तो आपको याद रखना है पाई बाय 4 में अगर पाई ऐड कर दो तो वैल्यू प्लस की माइनस में कन्वर्ट होती है। तो पाई बाय 4 में पाई ऐड करोगे तो 5π/4 होगा। तो 5π/4 अगर आप डालते हो तो कॉस सी यानी कॉस 5π/4 यानी माइनस 1/√2, ये भी माइनस 1/√2, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2 होगा, और प्लस 1/√2 और माइनस 1/√2 तो 0 होगा। मतलब पाई बाय 4 के लिए, 5π/4 के लिए वर्सेस 7π, यहाँ पे भी अगर तुम पाई ऐड करते हो तो 4 1 4π होगा, 4π और 9π, 5 9π/4 रहेगा। लेकिन 9π 9
पाई बाय फोर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 9 पाई बाय फोर 2 पाई से बड़ा हो गया, क्योंकि 9 पाई बाय फोर यानी 9 पाई को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग पाई आएगा। देखो 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए क्या? नहीं, 2 से कम होना चाहिए। इसका भी आंसर देखो, 4 1 4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग पाई आ रहा है, इसका 0.25 पाई आ रहा है, मतलब 0 और 2 पाई के बीच की होना चाहिए। तो सी की वैल्यू पाई बाय 4 के लिए और 5 पाई बाय 4 के लिए, ये एफ डी एस सी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, एफ डी एस सी 0 होना चाहिए। और ये जो सी की जो दो वैल्यू है 0 और 2 पाई के बीच की है, तो इनके लिए ये एफ डी एस सी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई किसके लिए हो रही है? जब सी की वैल्यू पाई बाय 4 रहेगी और 5 पाई बाय 4 रहेगी, तब रोल्स थ्योरम क्या हो रही है? वेरीफाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले एफ एस का डेरिवेटिव करोगे, फिर एफ डैश 6 निकलेगा, उसको सी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर सी की वैल्यू आपको अपना माइंड लगा के फाइंड आउट करनी है, जिसकी वजह से एफ डैश सी क्या हो जाए? 0 हो जाए। फिर लिखना है आपको कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है करके। इसके जैसा और एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय 2 और एक्स बिलोंग कर रहा है 0.2π। तो सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स, जो आपका गिवन फंक्शन एफ एक्स है, ये कैसा? साइन एक्स बाय 2, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से एफ एक्स क्या रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा 0.2π पे, एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी रहेगा 0.2π पे। अब नाउ थर्ड कंडीशन में क्या करोगे? एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालोगे तो साइन 0/2 होगा, क्योंकि एफ ऑफ 0 यानी जहां एक्स है वहां 0 आ जाएगा। तो साइन 0/2 यानी क्या होगा? साइन 0 होगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। फिर एफ ऑफ 2π, तो एफ ऑफ 2π यानी जहां एक्स रहेगा वहां 2π होगा, तो साइन 2π/2 होगा, तो साइन 2π/2 यानी साइन पाई होगा, तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2π दोनों इक्वल है। इसका मतलब ऑल द कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑल द कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, वो बात तो बराबर है, लेकिन हमको सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी इस तरह से, वो सी की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच की होना चाहिए और एफ डैश सी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी, हमको सी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी इस तरह से कि एफ डैश सी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए और सी की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच की होना चाहिए। तो एफ डैश सी फाइंड करने के पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा और एफ डैश एक्स फाइंड करने के लिए आपको एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या है? एफ एक्स क्या था आपको पता है? तो एफ एक्स क्या था? साइन एक्स बाय 2 था। तो एफ एक्स एक्स के पास क्या था? साइन एक्स बाय 2 था। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स बाय 2 होगा, साइन एक्स बाय 2 का कॉस एक्स बाय 2, और दोबारा एक्स बाय 2 का क्या होगा? 1/2 होगा। मतलब आपके पास एफ डैश एक्स क्या निकलेगा? 1/2 कॉस एक्स बाय 2। तो आप एफ डैश सी की बात करोगे तो एफ डैश सी यानी क्या होगा? 1/2 कॉस सी बाय 2। तो सी की वैल्यू ऐसी क्या होगी जिससे पूरा 0 हो जाएगा? तो आपको पता है कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है? पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है। तो सी की जगह पाई होना चाहिए, पाई होना चाहिए तभी, सॉरी सी के मतलब साइन अपने को कॉस पाई बाय 2 चाहिए ना, तो कॉस पाई बाय 2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सब के लिए cos की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो cos पाई बाय 2, 3π/2, तो यहाँ पे 3π होना चाहिए, लेकिन 3π 2π से बड़ा हो गया, तो 3π तो नहीं आएगा, c के जगह क्या आएगा? एक तो π आएगा, लेकिन 3π नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 2π से बड़ा हो जाएगा, हमको 0 और 2π के बीच की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे c के जगह π रहेगा, तो cos π/2 होगा और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो सी के जगह पाई रहेगा और ये पाई 0 टू पाई के बीच का भी है, तो सी इक्वल टू पाई के लिए ये एफ डैश सी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 होगा और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, 0 × 1/2 0 होगा, तो एफ डैश सी क्या होगा? 0 होगा। 3π क्यों नहीं लिया अपन ने? क्योंकि 0 और 2π के बीच का नहीं है। तो रोल्स थ्योरम कब वेरीफाई हो रही है? जब सी की वैल्यू क्या हो रही है? पाई थी, और वो किसको बिलोंग कर रहा था? 0 से लेकर 2π को बिलोंग कर रहा था। ठीक है 0 से लेकर 2π को क्या कर रहा था? बिलोंग कर रहा था। तब ये रोल्स थ्योरम क्या हो रही है? वेरीफाई हो रही है। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि fx equal to x^2 − 5x + 9, x belong to 1, 4। तो ये गिवन फंक्शन जो है आपके पास x^2 − 5x + 9, तो x^2 − 5x + 9
बीइंग पॉलीनोमियल फंक्शन, ये क्या है, पॉलीनोमियल फंक्शन है। पॉलीनोमियल फंक्शन होने की वजह से एफ एक्स अपने इंटरवल पे कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स अपने इंटरवल पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। नाउ एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ वन यानी जहां एक्स है वहां क्या जाएगा, वन आएगा, तो वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन प्लस नाइन होगा। तो वन का स्क्वायर वन होता है, फाइव वन जा फाइव प्लस नाइन, तो वन में से फाइव गए माइनस फोर, माइनस फोर प्लस नाइन फाइव, तो इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। फिर एफ ऑफ फोर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे फोर है, तो एफ ऑफ फोर यानी जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां क्या आएगा, फोर आएगा, तो एक्स का स्क्वायर है तो फोर का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू फोर ये प्लस नाइन होगा, तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होगा, फाइव फोर जा ट्वेंटी और प्लस नाइन, तो सिक्सटीन में से ट्वेंटी के तो माइनस फोर, माइनस फोर प्लस नाइन तो फाइव होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ ऑफ वन और एफ ऑफ फोर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ ऑफ वन और एफ ऑफ फोर दोनों इक्वल है, और इसका मतलब ऑल द कंडीशन रोल्स थ्योरम की क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और उस सी की वैल्यू के लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और वो सी की वैल्यू ये वन और फोर के बीच की होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होना चाहिए। एफ डैश सी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, और सी किसको बिलोंग करना चाहिए, वन कॉमा फोर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आपके पास एफ एक्स जो दिया था वो क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस नाइन दिया था, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होगा, माइनस फाइव कॉमन निकलेगा, एक्स का वन होगा मतलब माइनस फाइव एक्स का माइनस फाइव होगा, नाइन कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स माइनस फाइव एक्स का फाइव और प्लस नाइन का जीरो। अब इन दोनों मतलब अब फाइनल जो बचेगा एफ डैश एक्स वो क्या बचेगा, टू एक्स माइनस फाइव बचेगा। अब एफ डैश सी निकालेंगे तो एक्स जहां एक्स है वहां क्या आएगा, सी आएगा, मतलब ट्वाइस सी होगा, तो ट्वाइस सी माइनस फाइव होगा। अब सी के कौन से वैल्यू के लिए ये एफ डैश सी जीरो होगा, तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ये माइनस फाइव को राइट हैंड साइड में मांगा तो प्लस फाइव, और ये टू जो वो डिवाइड में आएगा मतलब फाइव बाई टू होगा, मतलब सी के जगह फाइव बाई टू रहेगा, मतलब टू से टू कैंसिल, फाइव में से फाइव जाएगा तो जीरो होगा। तो फॉर सी इक्वल टू फाइव पाई बाई सी इक्वल टू पाई बाई टू रहेगा, तो पाई बाई टू के लिए ये एफ डैश सी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। निकालने का तरीका कैसा है, एफ डैश सी के जगह जीरो कंसिडर कर लो, माइनस फाइव उधर जाएगा तो प्लस फाइव इंटरवल से डिवाइड में, मतलब सी की वैल्यू फाइव बाई टू रहेगी। तो फॉर सी इक्वल टू फाइव बाई टू, फाइव बाई टू का मतलब क्या होता है, टू पॉइंट फाइव, दो के आधे, तो दो के आधे यानी ढाई, तो वन और फोर के बीच में टू एंड हाफ आता है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या रहेगी, फाइव बाई टू रहेगी, जिसके लिए एफडीएस सी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हेंस रोल सिर्फ कब वेरीफाई हो रही है, जब सी की वैल्यू क्या थी, फाइव बाई टू थी, जो किसको बिलोंग कर रही है, वन कॉमा फोर को। तो इस तरह आपके वेरीफाई वाले क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर फंक्शन, ये आपके पास एक फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस फाइव, ये आपके पास एक फंक्शन दिया है, ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है एक्स बिलोंग टू वन कॉमा थ्री इंटरवल पे विथ सी की वैल्यू, सी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है टू प्लस वन बाय रूट थ्री, मतलब सी पे वेरीफाई भी कर रहा है ये फंक्शन, मतलब एफ डैश सी जीरो हम डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो हमको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये एफ एक्स होल्ड फंक्शन रोल्स थ्योरम के रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है, तो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ थ्री दोनों इक्वल रहेगा, मतलब सभी कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी इक्वल रहेगी, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ थ्री की भी वैल्यू इक्वल रहेगी। तो इस कंडीशन से P या Q दोनों में से एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ डैश सी इक्वल टू जीरो कंसीडर करेंगे, उससे किसी एक की वैल्यू निकलेगी, P या Q में से किसी एक की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे निकालते हैं, चलो सॉल्यूशन में हम वन बाय वन देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर फोर जो है ये बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको गिवन फंक्शन लिखना है, तो गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस फाइव है, जो कौन से इंटरवल पे डिफाइंड है, x बिलोंग टू 1,3 पे, और ये होल्ड्स किससे, होल्ड्स है बाय रोल्स थ्योरम, मतलब ये जो फंक्शन है रोल्स थ्योरम से क्या है, होल्ड्स है, इसीलिए f ऑफ 1 की वैल्यू और f ऑफ 3 की वैल्यू कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी, मतलब f ऑफ 1 और f ऑफ 3 की वैल्यू इक्वल रहेगी। f ऑफ 1 यानी ये पूरा जो फंक्शन है, तो जहां जहां x होगा वहां वहां 1 आ जाएगा, तो ये 1 का क्यूब प्लस p इंटू 1 का स्क्वायर
प्लस क्यू इन टू वन और ये प्लस फाइव और इक्वल टू एज इट इज होगा। एफ ऑफ थ्री यानी यहाँ पे थ्री का क्यूब होगा प्लस पी इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू थ्री और ये प्लस फाइव होगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये प्लस फाइव से ये प्लस फाइव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट क्या बचेगा, वन का क्यूब वन, ये पी इंटू वन का स्क्वायर पीछे होगा, क्यूब इंटू वन क्यूब होगा और इक्वल टू ये फाइव कट गया है इससे। थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन, थ्री का स्क्वायर नाइन पी होगा ये और ये थ्री इंटू क्यू थ्री क्यू होगा। अब क्या होगा कि पी वाली टर्म को पी की तरफ ले जा लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस नाइन पी इधर आएगा तो माइनस नाइन पी, देखो ये पी जैसा का वैसा, ये प्लस नाइन पी इधर आया तो माइनस नाइन पी और इक्वल टू में ये ट्वेंटी सेवन जैसा का वैसा, ये प्लस वन उधर गया तो माइनस वन और ये प्लस टू उधर गया तो माइनस क्यू, मतलब क्यू वाले की तरफ, पी वाले की तरफ और नंबर वाले को भी उधर भगा दिया। अब क्या होगा, पी में से नाइन पी गए तो माइनस एट पी होगा, ट्वेंटी सेवन में से वन गए तो ट्वेंटी सिक्स होगा और प्लस थ्री क्यू में से क्यू गए तो टू क्यू होगा, ठीक है। तो यहां इन दो में से आप क्यू की वैल्यू निकालो या पी की वैल्यू निकालो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मैंने क्यू की वैल्यू निकाला। क्यों क्यू की वैल्यू निकाला, क्योंकि क्यू के साथ में जस्ट एक्स की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने क्यू की वैल्यू निकाला। आप पी की भी वैल्यू निकालो बन जाएगा। तो ये प्लस टू क्यू इधर आएगा तो माइनस टू क्यू होगा और माइनस एट पी उधर गया तो प्लस एट पी होगा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये माइनस टू जो है ना वो डिवाइड में आएगा, तो माइनस प्लस ट्वेंटी सिक्स बाय माइनस टू तो माइनस थर्टीन होगा, प्लस एट पी बाय माइनस डिवाइड में माइनस टू आएगा तो माइनस फोर पी होगा। तो ये माइनस थर्टीन और माइनस फोर पी कैसे आया, आपको समझ में आ गया कैसे आया। तो ये माइनस टू ट्वेंटी सिक्स के डिवाइड में गया तो ट्वेंटी सिक्स बाय माइनस टू तो माइनस थर्टीन होगा और एट पी बाय माइनस टू तो माइनस फोर पी होगा। तो ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नाउ आपको पता है कि रोल्स थ्योरम पे वेरीफाई भी हो रहा है, मतलब एफ डैश सी इक्वल टू जीरो कंसीडर करना है। तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो कंसीडर करने के लिए आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा और एफ डैश एक्स निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे पावर से एक कम, मतलब थ्री एक्स का स्क्वायर होगा, इसमें टू पी एक्स होगा और क्यू एक्स का क्यू होगा, मतलब क्यू इंटू वन क्यू होगा और फाइव का क्या होगा, जीरो होगा। मतलब एफ डैश एक्स जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस टू पी एक्स और ये प्लस क्यू होगा। तो ये एफ डैश एक्स निकल गया। अब एफ डैश सी की जीरो कंसिडर करना है अपने को। तो आपको पता है कि सिंस एफ एक्स इज ऑल्सो वेरीफाइड फॉर एक्स इक्वल टू सी, जो सी की वैल्यू टू प्लस वन बाय रूट थ्री है और वन और थ्री के बीच की है, तो एफ डैश सी जीरो कंसिडर करेंगे। तो एफ डैश सी जीरो यानी एफ डैश एक्स में जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या आएगा, सी आएगा। तो आप देखो अच्छे से, थ्री एक्स का स्क्वायर टू पी एक्स प्लस क्यू है, तो जहां एक्स है वहां सी आएगा, थ्री सी का स्क्वायर प्लस टू पी सी और प्लस क्यू होगा। तो थ्री सी का स्क्वायर प्लस टू पी सी और प्लस क्यू, मतलब जहां एक्स था वहां सी डाल दिया और इक्वल टू जीरो एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है, सी की वैल्यू पुट करना है। तो सी की वैल्यू क्या थी, टू प्लस वन बाय रूट थ्री थी, तो सी की वैल्यू टू प्लस वन बाय रूट थ्री, तो उसका स्क्वायर होगा प्लस टू पी जैसा का वैसा, सी की जगह टू प्लस वन बाय रूट थ्री और क्यू की वैल्यू हमने जब इस निकाली थी इक्वेशन फर्स्ट से, माइनस थर्टीन माइनस फोर पी। क्यू की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू माइनस थर्टीन माइनस फोर पी, तो ये क्यू की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी है, ठीक है, इस सी के जगह क्यू के जगह माइनस थर्टीन माइनस फोर पी। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, थ्री एज इट इज रहेगा, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए का काम टू कर रहा है, बी का काम वन बाय रूट थ्री प्लस बी का स्क्वायर यानी वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर होगा प्लस ये टू टू जब फोर पी होगा, टू पी इंटू वन टू पी बाय रूट थ्री होगा, ये माइनस थर्टीन और ये माइनस फोर पी जैसा का वैसा। अब देखो ये प्लस फोर पी और ये माइनस फोर पी कैंसिल हो रहा है और इधर में थ्री एज इट इज, टू का स्क्वायर फोर, ये टू टू जा फोर, फोर इंटू वन फोर बाय रूट थ्री और ये वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा, ये बस टू पी बाय रूट थ्री बचेगा और ये माइनस थर्टीन बचेगा क्योंकि फोर पी और माइनस फोर पी कैंसिल हो रहा है। अब देखो अच्छे से आगे सॉल्व करो, ये थ्री फोर जा ट्वेल्व, ये थ्री फोर जा ट्वेल्व बाय रूट थ्री, ये थ्री वन जा थ्री थ्री बाय थ्री, तो थ्री से थ्री कैंसिल होगा, जस्ट क्या बचेगा, वन बचेगा। ट्वेल्व में से थर्टीन गए तो माइनस वन, ये ट्वेल्व बाय रूट थ्री और ये कितना होगा वन, ये प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। या ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, थ्री बाय थ्री यानी वन, वन प्लस ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन में से थर्टीन गया जीरो, तो जस्ट ट्वेल्व बाय रूट थर्टीन बचेगा और टू पी बाय रूट थ्री बचेगा, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर ट्वेल्व में से थर्टीन गया माइनस वन, ये ट्वेल्व बाय रूट थ्री, थ्री बाय थ्री वन, ये टू पी बाय रूट थ्री, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, जस्ट क्या बचेगा, टू पी बाय रूट थ्री हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको जगह पर रखेंगे टू पी बाय रूट थ्री और ये प्लस उधर गया तो माइनस ट्वेल्व बाय रूट थ्री होगा।
तो रूट थ्री से रूट थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो पी की वैल्यू माइनस सिक्स आएगी। अभी पी की वैल्यू माइनस सिक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे जिससे हमको क्यू फाइंड हो जाएगा। तो पी इक्वल टू माइनस सिक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस 13 माइनस 4 पी पी की जगह माइनस 6 पुट करेंगे। तो माइनस 13 माइनस 4 पी था, तो पी की जगह माइनस 6 डालेंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 6 जा 24 होगा, और 24 में से 13 गए तो 11 बचेगा, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी 11 होगी। तो इस तरह से पी की वैल्यू माइनस 6 और क्यू की वैल्यू 11, ये आपको आंसर निकल गया। ठीक है, तो बहुत प्यारा था, थोड़ा लंबा था, आपको बस स्टेप बाय स्टेप इसको दो बार इस वीडियो को पॉज करके मतलब इसको पॉज करके मतलब बैकवर्ड करके आपको रिवर्स करके थोड़ा सा इसको रिपीट करना है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोलेस थ्योरम होल्ड फॉर फंक्शन इस fx के लिए fx इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू लॉग एक्स, इसके लिए रोलेस थ्योरम होल्ड कर रही है। ये फंक्शन 1,2 इंटरवल पे डिफाइन किया गया है, तो हमको शो करना है कि जो इक्वेशन आएगा x log x आएगा इक्वल टू 2 माइनस x, तो x log x इक्वल टू 2 माइनस x सेटिस्फाई करना चाहिए एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन 1,2। तो 1,2 के बीच की जो x की वैल्यू रहेगी वो c रहेगी, है ना, वो c इस x log x इक्वल टू 2 माइनस x को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये हमको शो करना है। तो ये शो करने के लिए हम वो वाली कंडीशन यूज करेंगे f'c इक्वल टू 0, क्योंकि रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए होल्ड कर रहा है, तो f'c क्या रहेगा 0, f(1) और f(2) इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट f'c इक्वल टू 0 कंसीडर करोगे। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन में कैसे करते हैं देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको लिखना है गिवन फंक्शन ये x माइनस टू इंटू लॉग एक्स एक्स बिलोंग टू 1,2 होल्ड कर रहा है किसको, रोल्स थ्योरम को, रोल्स थ्योरम से होल्ड हो रहा है, रोल्स थ्योरम से होल हो रहा है, इसीलिए ये वेरीफाई होगा x इक्वल टू सी जो किसके बीच का रहेगा 1,2 के बीच का रहेगा, 1,2 आना चाहिए यहाँ पे, 1,2 के बीच का रहेगा। ठीक है, c की वैल्यू तो सच दैट f डैश c क्या रहेगा 0 रहेगा, तो हमको डायरेक्ट f डैश c 0 कंसीडर करना है। तो f डैश c इक्वल टू 0 कंसीडर करने के पहले आपको f डैश x फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इस fx का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो fx का डेरिवेटिव यानी f डैश x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब x माइनस टू जैसा का वैसा इस log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, सेकंड फंक्शन यानी log x जैसा का वैसा दोबारा डेरिवेटिव x माइनस टू का होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और 2 का 0 होगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखा, फिर से रिपीट कर देता हूँ, x माइनस टू जैसा का वैसा log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x जैसा का वैसा x माइनस टू का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0 होगा। तो f डैश x कितना निकला, x माइनस टू इंटू 1 x माइनस टू अपॉन में x और ये log x जैसा का वैसा रहेगा। नाउ f डैश c, क्योंकि हमको f डैश c 0 कंसीडर करना है, तो पहले f डैश c फाइंड करेंगे, तो f डैश c यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या आएगा c, तो c माइनस टू अपॉन में c ये log c होगा। अब f डैश c आपको 0 कंसीडर करना है क्योंकि वो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है रोल्स थ्योरम को, तो 0 हमको कंसीडर करना है, तो c इंटू 0 0 हो जाएगा, तो जस्ट c माइनस टू प्लस c log c होगा। तो आपको देखो क्या प्रूफ करना है, x log x प्रूफ करना है, मतलब ये कैसे आया पता है ना आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ c इंटू लॉग c, तो c log c और पूरे के डिवाइड में c आया, तो c 0 के इधर इंटू में चला गया, तो c माइनस टू c log c, तो ये माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू, ये प्लस c उधर जाएगा तो माइनस c, मतलब c log c इक्वल टू 2 माइनस c आ जाएगा। अब आप ये c log c इक्वल टू 2 माइनस c इसको और इसको ऑब्जर्व करो, x log x इक्वल टू 2 माइनस x को, तो देखो ये अगर हम c को रिप्लेस कर रहे हैं x से, तो हमको x log x 2 माइनस x, तो यही शो कर रहा है, तो यही तो इक्वेशन हमको लाना था ना, तो दिस शो दैट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है किसको, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, x की वन वैल्यू यानी c जो किसकी बिलोंग किसकी बीच की है 1,2 की बीच की है, मतलब 1,2 को बिलोंग कर रही है। तो हमको ये x log x इक्वल टू 2 माइनस x सेटिस्फाई होगा कैसे, तो x की वो वैल्यू मतलब c जो 1,2 को बिलोंग कर रही है, यही हमको प्रूफ करना था। तो c को जब रिप्लेस किए x से, तो जो हमको प्रूफ करना था वही फंक्शन आया, कौन सा, x log x इक्वल टू 2 माइनस x, ये इक्वेशन आया, यही तो हमको लाना था, तो हो गया, शो दैट हो गया, आसान था। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें अपने पास एक फंक्शन दिया है fx इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 3 e का पावर x माइनस 2
ई का पावर माइनस एक्स बाय टू सेटिस्फाई कर रहा है एल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑन ए इंटरवल माइनस थ्री कॉमा जीरो, हमको सी की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी इस तरह से कि एफ डैश सी क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, मतलब आपके पास फंक्शन जो है x ब्रैकेट में x प्लस थ्री ई का पावर माइनस एक्स बाय टू, ये रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करे तो हम डायरेक्ट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो ले सकते हैं और सी फाइंड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो देखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखोगे कि गिवन फंक्शन x ब्रैकेट में x माइनस थ्री का पावर माइनस एक्स बाय टू, एक्स बिलोंग टू माइनस थ्री कॉमा जीरो, होल्ड्स बाय रोल्स थ्योरम, सो इट इज वेरीफाइड एट x इक्वल टू सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो हम एफ डैश सी इक्वल टू जीरो डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन एफ डैश सी फाइंड आउट करने के पहले आपको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री, थ्री एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू में ई का पावर माइनस एक्स बाय टू, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो हम एफ डैश एक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के। तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, सेकंड का डेरिवेटिव, तो ई का पावर माइनस एक्स बाय टू का डेरिवेटिव ई का पावर माइनस एक्स बाय टू यू होगा, और दोबारा माइनस एक्स बाय टू का डेरिवेटिव तो माइनस वन बाय टू होगा, प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा मीन्स ई का पावर माइनस एक्स बाय टू जैसा का वैसा रहेगा, और दोबारा डेरिवेटिव ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन का होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होगा प्लस थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री होगा। ठीक है, फिर एफ डैश एक्स क्या निकल गया फाइनल, इन दोनों में से ई का पावर माइनस एक्स बाय टू कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी ई का पावर माइनस एक्स बाय टू, यहाँ पे भी ई का पावर माइनस एक्स बाय टू, तो ई का पावर माइनस एक्स बाय टू कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस को आगे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और डिवाइड में टू, और प्लस ये ट्वाइस एक्स प्लस थ्री होगा। इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ई का पावर माइनस एक्स बाय टू, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, ये टू टू जा फोर एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टू टू जा फोर एक्स प्लस टू थ्री जा सिक्स होगा, और पूरे की डिवाइड में टू आ जाएगा। ठीक है, फिर तो इसका एक बार कैलकुलेशन अच्छे से कर लिया, तो ई की पावर माइनस एक्स बाय टू ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, फोर एक्स में से थ्री एक्स गए तो प्लस सिक्स बचेगा, और प्लस सिक्स बचेगा और अपॉन में टू। नाउ एफ डैश सी अपन फाइंड आउट करेंगे, तो एफ डैश सी क्या होगा, जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो ई का पावर माइनस सी बाय टू माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस सिक्स अपॉन में क्या होगा, टू होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो डिवाइड में जो एफ डैश सी की वैल्यू हम जीरो कंसिडर करेंगे, हमको सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एफ डैश सी की जगह जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड वाला जो टू है और ई का पावर माइनस सी बाय टू, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो ये जीरो के साथ में जाएंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो जस्ट क्या बचेगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस सिक्स बचेगा, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया, तो जस्ट सी का स्क्वायर बचेगा, प्लस का माइनस सी होगा, प्लस सिक्स का माइनस सिक्स होगा, और इक्वल टू जीरो। अब इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसके फैक्टर गिराएंगे, तो माइनस सिक्स के ऐसे फैक्टर गिराओ जिसका सब्ट्रैक्शन माइनस वन आ जाएगा, तो थ्री टू जा सिक्स, तो थ्री में से टू गए तो माइनस वन बचता है, तो थ्री का साइन माइनस रहेगा और टू का साइन पॉजिटिव रहेगा, मतलब c माइनस थ्री बाय टू और c प्लस टू इक्वल टू जीरो होगा। तो हमने माइनस सिक्स के फैक्टर गिराए, थ्री टू जा सिक्स, थ्री का साइन नेगेटिव, टू का साइन पॉजिटिव, तो एक बार c माइनस थ्री होगा और एक बार c प्लस टू होगा इक्वल टू जीरो, एक बार जीरो c माइनस थ्री के साथ में जाएगा, एक बार c प्लस टू के साथ में जाएगा, तो c की वैल्यू थ्री होगी एक बार और हमें c की वैल्यू माइनस टू होगी, बट c इक्वल टू थ्री, ये माइनस थ्री और जीरो के बीच में नहीं आता, माइनस थ्री और जीरो के बीच की वैल्यू लेना है, तो माइनस थ्री और जीरो के बीच में थ्री नहीं आता, माइनस टू आता है, इसलिए सी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस टू रहेगी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस टू रहेगी। इस तरह से ये सी की वैल्यू निकल गई, हमको सी की वैल्यू ही फाइंड करना था। ठीक है, तो इस वीडियो में रोल्स थ्योरम के हमने सभी क्वेश्चन कवर किए, मैं कुछ प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको अच्छे से सॉल्व करना है खुद के प्रैक्टिस के लिए। तो ये प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए आपकी कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी जो कंडीशन है वो चेक करना है, आपको तीन कंडीशन है, फिर सेकंड क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो आपको सी की वैल्यू फाइंड करना है और सी की वैल्यू जीरो के से लेकर फोर के बीच में आना चाहिए और एफ डैश सी की वैल्यू पे जीरो होना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको b की वैल्यू निकालना है, a और b दो इंटरवल है, इसमें से a की वैल्यू पता है, आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके जैसा भी क्वेश्चन हमने देखे थे। और फोर्थ क्वेश्चन में भी हमको वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हमको सी की वैल्यू फाइंड करना है और सी की वैल्यू इन दोनों के बीच की होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। तो रोल्स थ्योरम के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे जो इसी एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 डिपेंड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।